हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नोश किया, बहरहाल इस हवाले से हम आपको तफसीली तौर पर बताएंगे। अभी आपको लाहौर लिए चलेंगे जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना चेंज हिज मेंटालिटी, हिज एटीट्यूड एंड हिज कॉन्डक्ट। वो जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा एक फ्रेजाइल यंग डेमोक्रेसी है और वो वी कैन ओनली अफोर्ड सो मच, वी कैन ओनली विदस्टैंड सो मच। तो वो बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल इश्यूज मियां साहब शुडंट एंडेंजर डेमोक्रेसी एज अ होल। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो सिविलियन सुपरमेसी के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी हो। और पहले था कि मैं नजरियाती हो गया, वो अब मियां साहब कह रहे हैं कि मैं नजरिया हूँ। तो सिविलियन सुपरमेसी के लिए तो कम अज कम पीपल्स पार्टी साथ दे उनका। देखो सिविलियन सुपरमेसी के बारे में आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए हमारा स्टांस क्या रहा है और आज भी वही स्टांस है। लेकिन मियां साहब, मेरा ख्याल में अनफॉर्चुनेटली आई फील मियां नवाज शरीफ साहब डजंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी और नज़रिया। कि अगर आप अपना फ़ायदा के लिए फॉर योर ओन प्रैक्टिकल पर्पसेस चेंज योर पोजिशन, दैट्स नॉट कॉल्ड आइडियोलॉजी। वो तो हमेशा से उनका आदत रहा है कि वो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं और अभी भी अपॉर्चुनिस्ट्स हैं। लवल सर, आप क्या समझते हैं कि सेनेट में पीपल्स पार्टी देखो जमहूरियत के लिए मैं चाहता हूँ कि हम सब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, हम सब मिलके इस वन पॉइंट एजेंडा पे हम अग्री तो हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होना चाहिए। देखो मैंने इस केस का पर्टिकुलर्स को मैं नहीं जानता हूँ, सो आई वांट टू बी केयरफुल। लेकिन बिल्कुल हमने इंडिया के बारे में नहीं सोचना है, अमेरिका के बारे में नहीं सोचना है, हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है। और अगर पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरी मुल्क बनना है तो हमारा एक रूल ऑफ लॉ और राइट ऑफ स्टेट भी होना चाहिए और मोनोपोली ऑन वायलेंस शुड बी विद द स्टेट आल्सो। तो हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके पास कैपेसिटी है टू कैरी आउट अटैक, उन पर देखना पड़ेगा और स्टेट का रेट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जी देखो इसाक दार साहब जो है अब्दुल्ला, फाइनली ये जो हुआ है हो गया है। बिकॉज एक आदमी जो अपना चेक्स नहीं साइन कर सकता है, वो पाकिस्तान का चेक्स कैसे साइन कर रहा था? और दिस इज हैपेंड लेट बट इट्स हैपेंड, सो थैंक यू। मियां साहब को सिविल सुप्रीमेसी की याद इसलिए आ रही है कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिविल सुप्रीमेसी की बात की और इसके लिए कुर्बानियां दी। ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।